हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास में HP का एक लैपटॉप आया है जिसका की कीबोर्ड नहीं चल रहा है। इस कीबोर्ड की कुछ कीज काम नहीं कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम इस कीबोर्ड को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कीज काम नहीं कर रही है, और अगर उसके बाद में कुछ कीज खराब हुई तो हम इसको सर्विस में भी रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हमें इसका पूरा कीबोर्ड चेंज करना पड़ सकता है। इस लैपटॉप के कीबोर्ड को डायग्नोज करने के बाद में हमने पाया है कि इसकी 4 से 5 कीज काम नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में हम इस लैपटॉप के कीबोर्ड को चेंज करेंगे, क्योंकि यह सर्विस में रिपेयर नहीं हो सकता है। जो भी कीबोर्ड सर्विस में रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ऐसी लैपटॉप के हमें कीबोर्ड को पूरा चेंज करना पड़ता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हम लैपटॉप खोलते हैं। सबसे पहले हमें कुछ भी काम करने से पहले हमारा मोटो होता है कि हम बैटरी हटा लें। बैटरी लगे हुए पे प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं, इसलिए सबसे पहले लैपटॉप खोलने से पहले हमें बैटरी हटानी चाहिए। इसमें एक स्क्रू बाकी रह गया था जिस वजह से हमारा कवर नहीं खुल रहा था। ये हमारा बेस हट गया है और ये हमारा लैपटॉप जिसमें बैटरी लगी हुई है। सबसे पहले बैटरी रिमूव करते हैं, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। ये बैटरी हमने हटा ली है इसमें से। ये आप देखोगे इसमें हार्ड डिस्क और SSD दोनों हैं। ये अच्छी मशीन होती है, SSD और हार्ड डिस्क दोनों होती है, तो स्पीड फास्ट होती है। SSD में हम आपको बताते ही हैं, हमने वीडियो भी बनाई हुई है पहले। तो हम बात करें 14CS की, तो मशीन कैसी होती है। लुक वाइज भी अच्छी होती है, बैटरी बैकअप वगैरह अच्छा होता है, और जो SSD लग जाए तो परफॉर्मेंस स्पीड वगैरह भी इसकी अच्छी हो जाती है। ये ग्राफिक में है, इसमें AMD का ग्राफिक भी लगा हुआ है। 8GB रैम है, 128GB SSD और आपका 1TB हार्ड डिस्क के साथ ये मशीन है। मशीन लेटेस्ट है, पर आजकल जो मशीनें ये आ रही हैं, जैसे कि आप 14 सीरीज, 15 सीरीज, जो भी स्लिम मशीन देखोगे उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। जैसा आपकी बॉडी टूट गई उस टाइप की, कीबोर्ड इस टाइप की इनमें प्रॉब्लम आती है। बॉडी ब्रेक होना, आपका कीबोर्ड ना चलना, ये सब इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत आते हैं इन मशीनों में। तो कीबोर्ड खोलने के लिए, लगाने के लिए हमें पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है। मदरबोर्ड बाहर आ जाएगा, मदरबोर्ड को भी हमें बाहर करना पड़ेगा, तभी हमारा कीबोर्ड लग पाएगा। इंटरनल कीबोर्ड होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप ना ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। किसी प्रोफेशनल से ही इसको कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी वैसी जगह यदि आप लैपटॉप दिखा देते हो किसी ऐसी जगह, तो प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। और टाइम टाइम पे सर्विस भी करा लेनी चाहिए आपको अपने लैपटॉप की, क्योंकि आप देखोगे ये जो मशीन है काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि ये सर्विस नहीं हुआ है। आप देखोगे हीट सिंक और फैन के बीच में जो होता है उसमें बहुत ही धूल हो रखी है। एक बार हाथ लगा के दिखाना सर, वो धूल कौन सी, ये देखो आप, ये पूरा डस्ट हो रखा है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप सर्विस टाइम टाइम पर कराते रहें, क्योंकि अब आप देखोगे ये ग्राफिक की मशीन है और ग्राफिक की मशीन हीट बहुत ज़्यादा होती है। अब जब फैन हवा हमारी जो एयर एग्जॉस्ट नहीं होगी तो उसमें अंदर और ज़्यादा हीट होगी और प्रॉब्लम होने के चांस बने रहते हैं। ये हमारे स्पीकर हैं, देखोगे छोटे छोटे स्पीकर होते हैं। साउंड क्वालिटी भी, वैसे बात करें साउंड क्वालिटी की, तो अच्छी होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। इस टाइप के ये नॉलेजफुल आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ये आप देखोगे हमारा पूरा सिस्टम अलग हो गया है, स्क्रीन अलग होगी, अभी इसमें से मदरबोर्ड भी बाहर निकलेगा। ये हमारा मदरबोर्ड भी रिमूव हो गया है।
अब आप कंडीशन देखोगे हमारे लैपटॉप की, पूरा ही है, सब कुछ अलग हो गया है। ये कीबोर्ड जो प्लास्टिक से पूरा टैप होता है, इसी को धीरे धीरे हटाना होता है, नहीं तो हमारी प्लास्टिक टूटने का खतरा रहता है, हमारा टच पैड भी टूट सकता है, तो इसी से बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है इसको। बहुत ही प्यार से खोलना पड़ता है धीरे धीरे। आप देखोगे अब धीरे धीरे हमारा ये खुल रहा है बॉडी। पूरा जो ऊपर का पैकिंग होता है वो खुला है, इसके नीचे फिर हमारा कीबोर्ड होता है। ये जो है हमारे कीबोर्ड का ओल्ड वाले का बैकलाइट है, तो इसको ध्यान से निकालना है कि बैकलाइट के साथ, बैकलाइट अलग से बहुत महंगा मिलता है, इसलिए इसके बैकलाइट को बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा हमें। क्योंकि इसमें केबल होती है, केबल वाली, बस वाली केबल होती है, जिससे दिक्कत झटका लगती है, ये टूट जाती है हमारी बसें। आप देखोगे बहुत ही जबरदस्त टेपिंग हो रखी है कीबोर्ड की। ये हमारा बैक लाइट के ऊपर उतर गया है, ये हमारा कीबोर्ड है पुराने वाला। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये कीबोर्ड निकलता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैकिंग होती है इसकी, इसको हर कोई नहीं कर सकता है। यदि आपने किसी ऐसे ही बंदे को दे दिया तो आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम होने का चांस भी रहता है, तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए आप सूरज कंप्यूटर्स पर आएँ, इस टाइप के काम कराने के लिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होते हैं। ऐसा रिस्क ना ले कि कभी इसी को दिखा दिया तो चलती हुई मशीन आपकी खराब हो जाए, तो उसे होने का चांस रहता है। लैपटॉप की कीबोर्ड को चेंज करने के बाद अब हम इसको पैक कर रहे हैं, इसकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबको असेंबल कर रहे हैं और लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज कर दिया है। अगर आपके पास में भी कोई लैपटॉप है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप खुद से इस लैपटॉप के कीबोर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह के काम करने में एक्सपर्ट होना होता है।